अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये जो मैंने अपना हेयर ऑयल खुद किया था, आज को मैंने बताया था कि आज मेरे भाई का बर्थडे है तो मैंने खुद किया था। मुझे ऐसी रफ़ लुक अच्छी लगती है, मैंने विदाउट एनी हीट और स्प्रे केमिकल्स के बगैर ये सब किया है। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने सब कैसे किया, नेचुरल और ऐसी रफ़ लुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अपनी भांजी पर करके आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। मैंने ये बालों को दो पार्टीशन में ऐसे कर लिया, फिर उसके बाद आपने अच्छे से पहले इनके टेंगल्स निकाल देने, टेंगल्स फ्री कर लेना है बालों को, फिर आपने ये दो पार्ट्स में कर देना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये छोटे से कैचर कुछ भी रख लें आप, छोटे कैचर से पिंस रख लें। और ये स्प्रे बॉटल में मैंने लिया है राइस वाटर। राइस वाटर मैंने इसलिए लिया है, आप कोई भी प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप हेयर स्प्रे यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने अभी ये जो बाल बनाए हैं विदाउट एनी केमिकल्स, ताकि हमारे बालों को कोई साइड इफेक्ट ना मिले। राइस वाटर इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारे बालों की स्टाइलिंग के साथ साथ हमें बेनिफिट्स भी मिले, तो हमारे बालों को क्योर भी होते रहें। तो फिर इसके साथ मैंने क्या किया, इसको बालों को अच्छे से स्प्रे कर लेना, हमने वेट करना है, बिल्कुल वेट लुक देनी है। ये जो हम कर सकते हैं नहाने के फ़ौरन बाद भी ये ऐसा हेयर स्टाइल कर सकते हैं, तो अभी मैं इसलिए क्योंकि इनके बाल बिल्कुल ड्राई थे मैं आपको करके बता रही हूँ, मैंने राइस वाटर यूज़ किया। ये देखिए आपने राइस वाटर अच्छा से इसके बाल वेट कर देने हैं। फिर करने के बाद आपने इनको ऐसे फोल्डिंग में ले आना है जी। तो ये देखिए जैसे ये मैं फोल्डिंग कर रही हूँ, आपने ऐसे फोल्डिंग करनी है, फिर साथ साथ मैं आपको, आप देखते जाएं फिर मैं आपको बता दूँगी, दोनों साइड आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने फोल्डिंग करके इनको ऐसे ही छोड़ देना है 2 या 3 और उसके बाद आप ओपन कीजिएगा बहुत अच्छी लुक के लिए। इनको ऐसी लुक आई थी, ये बहुत मज़े का बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने रूम में गई तो मैंने डेकोरेशन करनी थी भाई की बर्थडे सरप्राइज़ के लिए, फिर ये बर्थडे और केक ऑर्डर किया था, ये हनी केक था, दाता बेकरी से मंगवाया था, जो लोग भावल पे रहते हैं उनको पता होगा। फिर ये इनमें से सिर्फ मैंने मैक्रोनी और ये वाइट पास्ता मैंने बनाया था, बाकी उनमें से मुझे कुछ नहीं आता था, तो वो सब मेरी सिस्टर ने बनाया था, ये सब मैंने, इनमें से मुझे कुछ नहीं आता। जी तो केक कटिंग के बाद फिर हम सब थक चुके थे काफ़ी, उसके बाद फिर मैंने बस हम सब ने पिक्स वगैरह ली और उसके बाद फिर हमने सोचा हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, थोड़ा फ्रेश भी फील करेंगे, काफ़ी थकावट हो रही थी तो हम फिर बाहर गए। तो इस सब के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आज का व्लॉग काफ़ी छोटा था क्योंकि मैंने सोचा था आप लोग बोर ना हो जाएं, और मैं चाह रही थी आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही व्लॉग बनाती रहूँगी। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़रूर कहिएगा और लाइक भी देते रहिएगा, तो और सब मुझे दुआ में भी याद रखिएगा, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके रिटर्न में हम कुछ नहीं लेते, दुआ फ्री में सबको दी जाती है, तो काइंडली अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।